मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आई एम ग्रेस दड़का। मेरा नाम है अमृता और आज हम बॉश के डिशवॉशर में क्विक मोड का टेस्ट करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और क्विक मोड में होता क्या है। 29 मिनट्स में, सिर्फ और सिर्फ 29 मिनट्स में आपके सारे बर्तन जो है धुल के निकल जाते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है कि आपके बर्तन धुल तो जाते हैं लेकिन आपके बर्तन ड्राई नहीं होते। तो मैं एक टेक्निक आपको बताऊँगी जिससे कि आप अपने बर्तनों को ड्राई भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एंड रिजल्ट भी देखने के लिए मिले कि ये मोड कैसे और कितना अच्छा काम करता है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बॉश के इस डिशवॉशर में क्विक मोड में बर्तन को धोने वाले हैं। क्विक मोड में होता क्या है, 29 मिनट्स में आपके सारे के सारे बर्तन धो के साफ हो जाते हैं और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के सारे के सारे बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं। मैं डेली जो मैं यूज़ करती हूँ मैं क्विक मोड में ही यूज़ करती हूँ क्योंकि कम समय में बहुत ही अच्छी वॉश हमें मिलती है। अनलेस एंड अनटिल मेरे पास ज़्यादा ऑयली अगर मेरे पास बर्तन है तो ही मैं इसका यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो यूज़ होता है वो क्विक मोड का ही होता है। तो एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी जो सारे मोड्स में है और क्विक मोड में जो डिफरेंस है मैं बताती हूँ आपको। तो सारे मोड में जो है आपके जो बर्तन हैं वो धुल के ड्राई होके निकलेंगे लेकिन क्विक मोड में ऐसा नहीं होता है। क्विक मोड में सिर्फ क्लीन होते आपके बर्तन धुल जाते हैं लेकिन ड्राई नहीं होते। तो ड्राई के लिए टेक्निक मैं डेली यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है ड्राई के लिए मैं क्या करती हूँ, क्विक मोड में लगा देती हूँ और 29 मिनट्स होने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है। मैं वाटर सप्लाई बंद कर देती हूँ, मेन स्विच को ऑफ कर देती हूँ और 15 से 20 मिनट तक मैं बर्तनों को ऐसे छोड़ देती हूँ इसमें, तो ये अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं 15 से 20 मिनट तक सारे बर्तन। तो चलिए अब हम इसमें बर्तनों को लोड करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मशीन को ओपन कर दिया और ये अपर रैक में जो है हम रखेंगे छोटे वाले बर्तन, तो जैसे कि कटोरी है, कप वगैरह है, तो इस तरह से हम इसमें रख देंगे। और ग्लास को हम रखेंगे यहाँ पे। स्पून को यहाँ पे रखने के लिए जगह है तो हम स्पून को यहाँ पे रखेंगे। अब हम चलेंगे लोअर रैक की तरफ और इसमें सारे जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को बिल्कुल भी क्लीयरेंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें चेक करना है कि बर्तन कैसे क्लीन होते हैं। देखिए चाय का बर्तन है जिसे क्लीन करना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्लीन करता है। तो मैं इसे इसी तरह से रख देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो दूध का टोप है इसे भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ ताकि हमें एंड रिजल्ट जो है वो अच्छी तरह से पता चले। मैंने यहाँ पे इस तरह से अपर और लोअर रैक में बर्तनों को सेट कर दिया है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि बर्तनों को कैसे सेट किया जाता है। अगर आप वो आपको पता चल गया तो बहुत सारे बर्तन आप एक साथ वॉश के लिए डाल सकते हो। और सेट करना अगर आपको एक बार आ जाए तो बर्तन को इसमें डिशवॉशर में साफ़ करना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट डलता है यहाँ पे तो मैं बस ये 2 स्पून डिटर्जेंट डालूंगी इसमें। और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पे रिंस 8 डलता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो ये बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है इसे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो सारे फीचर्स मैंने इस मशीन के उसमें बताए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे डोर को हम कर देंगे क्लोज। तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और पानी को भी ऑन कर दिया है और फिर पानी को चालू करके हम यहाँ पे
ऑन का जो ये बटन है उसे प्रेस करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये है इको मोड पे। अब हम इसे क्विक मोड पे करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 मिनट्स ले रहा है, बहुत ही कम समय में इतने सारे बर्तन हमारे साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अपना काम इसने स्टार्ट कर दिया है। तो अब एंड में आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसे आया है और कितने सफाई से इसने साफ किया है नहीं किया है वो एंड में पता चलेगा। तो तब तक वेट कीजिए। 29 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, वॉश साइकिल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और चलिए आप खोल के देखते हैं इसे। तो मैंने बटन बंद कर दिया है। सबसे पहले हमारे जिद्दी डाग वाले जो बर्तन थे उसको देखेंगे। तो ये चाय वाला टोप है, देखिए कैसे साफ किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन अब ये पूरी तरह से सूखा नहीं है तो इसकी भी टेक्निक आपको बता देती हूँ मैं। अब चेक करेंगे दूध वाला टोप। तो ये रहा दूध वाला बर्तन, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन किया है। देखिए ऊपर के जो रैक में बर्तन रखे थे वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो गए। तो चलिए देखते हैं, देखिए कितना अच्छे से इसने क्लीन किया। चाय वाला कप था ये, और एक अलग ही शाइन आती है जब आप इससे धोते हो बर्तन को अपने, तो बिल्कुल नए जैसी शाइन आती है इसमें। तो ये अब पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, तो चलिए टेक्निक बता देती हूँ आपको सुखाने की। तो अब मैं इस मशीन को फिर से बंद करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। और जो आपके बर्तन सूखे नहीं हैं वो भी आपके सूख जाएंगे इससे। तो चलिए बंद कर देती हूँ मशीन को। तो अब मैं 10-15 मिनट के लिए बर्तनों को इसी में रखने वाली हूँ, मैं निकालने नहीं वाली हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे बर्तन आपके जो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे, पूरे पूरे ड्राई हो जाएंगे। तो यही है वो टेक्निक जिसे मैं बता रही थी आपको पहले, कि बर्तनों को इसी में रखें, उसको निकाले नहीं, और बर्तन अपने आप 10-15 मिनट में आपके पूरे के पूरे अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। अभी ये 75-80% ड्राई है बर्तन ऑलरेडी, लेकिन 20% और होना बाकी है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ और 10 मिनट के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो चलिए 10 मिनट के बाद इसे हम खोल के देखते हैं कि वाकई में हमारे बर्तन जो है वो ड्राई हुए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ये बर्तन जो है वो सूखा है कि नहीं। एकदम क्लोज लुक दिखा रही हूँ आपको, देखिए बर्तन जो है बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से सूख गया है, ड्राई हो चुका है बिल्कुल। इसीलिए मैं आपको क्लोज लुक दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो हमने रखा है ग्लास का बर्तन ऊपर वाले रैक में, देखिए ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का जो बर्तन होते हैं वो इसमें नहीं डालना है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।